सभी बच्चों को प्रतिभा मिस का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे हैं ना? और बड़ों को प्रणाम। अब हम सब क्या कर रहे हैं? काय की सहायता से पढ़ रहे हैं? वीडियो की सहायता से, मोबाइल की सहायता से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पहले तो आपके हाथ में मोबाइल आता नहीं था। आप मम्मी लोग फटाफट दे देती, बेटा वीडियो आ गया जल्दी से देखो, मिस ने क्या पढ़ाया है, जल्दी से पढ़ना है लिखना है, ऐसे होता है। देती है ना मम्मी कि जल्दी से देखो क्या है, क्या पढ़ा रही मिस। ठीक है, अब अपन वीडियो की सहायता से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, अपन स्कूल नहीं आ सकते हैं, है ना? अपन को अभी परमिशन नहीं है स्कूल आने की, लेकिन जब परमिशन मिल जाएगी तो मोबाइल छोड़ेंगे। जैसे क्लास में पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड पे, वैसे ही क्लास में बैठ के वैसे पढ़ने का आनंद तो और मजा ही आता है ना। स्कूल में आते हो आप लोग, एक साथ खाना खाते हो, शेयर करते हो, कौन क्या लाया देखते हो, फिर ऐसे में सारी चीजें, कोई कुछ लाया तो अपनी भी इच्छा होती कल हम मुझे बना दो, तो जो नहीं खाता तो खाना भी सीख जाता है, शेयर करना भी सीख जाता है ना। मिल बांट के खाना चाहिए कोई भी चीज है, घर में भी कोई भी चीज आती है, अगर कब चीज आई है तो अपन को सबको शेयर करना चाहिए। अपन कोई चीज खाते हैं तो पूछना है आप ले रहे क्या, भलाई कोई नहीं ले, आपकी इच्छा नहीं अंदर से किसी को देने की, लेकिन अपन को पूछने की हैबिट बनाना है, आप ले रहे हो क्या, है ना। ऐसी अच्छी अच्छी आदतें आप इसे बचपन से अपनी हैबिट डालो, शेयर करने की और देने की, सबको प्रणाम करने की, रिस्पेक्ट करने की, अभी से जो हैबिट पड़े आएगी आपकी हमेशा बनी रहेगी। चलिए आज हम कौन सा पेज पढ़ेंगे देखो, हमने बोर्ड पर लिखा है पेज नंबर 6। कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं अपन? अमृता स्वर्ग्या। अमृता स्वर्ग्या से अपन ने पहले 2 वर्ण वाले पढ़े, 3 वर्ण वाले अक्षर पढ़े, आज हम पढ़ेंगे 4 वर्ण वाले। 4 वर्ण वाले है ना, जैसे सर्कस, सर्कस, सर्कस 4 अक्षर का है। बर्तन, पनघट, बरगद, शरबत, शरबत पीते हो ना, शरबत भी 4 अक्षर, 4 व्यंजन से क ख ग घ, 4 व्यंजन हो गए, है ना, इस तरह से मिला के पढ़ेंगे। चलिए हम पेज नंबर 6 से अमृता स्वर्ग्या का खोलिए। सबके अपने बुक खरीदना, ये बुक खरीदना है इसी से पढ़ाई होगी, जिन्हें नहीं खरीदा तो खरीद लेना, जिन्हें खरीद ली है तो पेज नंबर 6 खोलिए और अपन उंगली रख रख के पढ़ेंगे। मैं जो पढ़ाएगी, जहाँ पढ़ाएंगे आपकी वहाँ पे उंगली होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा मिस क्या बोल रही क्या पढ़ा रही। पहले अपन देखो बर्तन का चित्र बना है, एक अफसर खड़ा है, कटहल है, तरकस, तरकस जिसमें तीर रखे जाते पीछे टांगा जाता है वो है। तो बर्तन कैसे, बा प्लस रा ता प्लस ना बराबर ताना तय बर्तन। मैं साल आपको बोलना बेटा, पी आ प्लस फा प्लस सा प्लस रा, आप अफ सावरा सर अफसर, फिर कटहल, कटहल की सब्जी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं ना अपना, का प्लस क्या गया, था है कि टा, हमें नहीं आ रहा पढ़ना, बता दो ना, था है कि टा है, टा है, अच्छा का टा प्लस हा। अच्छा देखो हा कई बच्चे को अच्छे से नहीं आता, हम हा लिखना बताया तुम्हें, बोर्ड पर देखो सबको ऐसा डांडा ग्रुप को बनाना आता है, लेकिन इसको पूरा यहाँ तक नहीं घुमाना, फिर इसको ऐसा करना, तो इस तरह से हा बनाना सीखना है तो अच्छा आता है ना। ऐसे तो कुछ कुछ अक्षर हैं आप लोग को जो नहीं आते हैं तो देखो ध्यान दो, देखिए डांडा ग्रुप का अपन देखो ऐसा पूरा यहाँ तक घुमा लेते, थोड़ा इसको यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से ऐसा करना, बहुत सुंदर बनेगा आपका, ठीक है, इस तरह से हा बनाना। चलिए अब आ गया कटहल, अब फिर तरकस्ता प्लस रा का प्लस सा, तो ता और तर का शकस, तरकस, तरकस से कहते हैं जो तीर अंदाजी करते हैं ना, पीछे वो टांगे रहते सारे तीर अपने पीछे, पीछे से तीर निकाला, अर्जुन की महाभारत की युद्ध में देखा ना वही तरकस, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वो जो शब्द चारों अक्षर वाले शब्द है मिला के एक साथ, अभी हमने प्लस वाला सिखाया था, अब एक साथ है, सर सर काओ सकस सर कस है, आओ अच कान अचकन, अचकन किसको कहते हैं, जो लंबा कोट रहता है ना उसको कहते हैं अचकन,
जो बहुत सर्दी रहती है अपन पहनते हैं ओवर कोट वो। अब दम अदम कौ न कन दम कन आओ जहाज गौर अगर अजगर बहुत बड़ा जाला सांप से नाटा नट खाट नट खट बच्चे कैसे रहते नट खट थोड़ी देर इधर बैठे थोड़ी देर उधर बैठे थोड़ी मस्ती इधर करी थोड़ी वो नट खट। अब तरकश तार तर काव सकस तर्क उलझन उल उलझन उलझन बहुत सारे काम लेने फिर बन नहीं रहा ये भी करना वो भी करना उलझन बहुत सारे है ना उलझन। फिर दल दल जब अभी बारिश में आप देखो जगह जगह मिट्टी पड़ी है उसे पानी हो गया तो हो गया दल दल कीचड़ दल 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 दल। फिर दल दल ऐसा भी होता है एक जैसे गहरा गड्ढा है उसे बहुत सारा कीचड़ होता है कोई गिर गया तो नीचे जाता 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 ऐसा भी होता है ना। चलिए अब मग मग हर हर मग हर। फिर खट खट पट पट खट पट खट पट सब जानते ही है बराबर बा और बर बस बस बर बस है ऊप ऊप वन वन ऊप वन मख मक मल मल मख मल और हर 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 सर सर पट पट सर पट आम आम रस रस आम रस आओ नन बन बन अन बन खट खटे मल मल खटे मल जल जल चार चल जल चल जल चल मतलब जो पानी में रहते हैं मछली हुई है ना मगर हुए छोटे छोटे सब पानी में रहने वाले। अब चाट चट पट पट चटपट आइसक्रीम आ गई तो चटपट खा ली जल्दी से है ना हाँ चटपट। चलिए अब अपन पाठ पढ़ेंगे चार अक्षर वाले शब्द सारे चार अक्षर वाले कुछ दो अक्षर वाले मिलेंगे कुछ इसमें तीन अक्षर वाले तो मिक्स हो गए दो अक्षर वाले तीन अक्षर वाले चार अक्षर दो तीन चार हिंदी की गिनती भी आ गई एक दो तीन चार। इस तरह हिंदी की गिनती भी सीखना है अपन को हिंदी की गिनती कैसे होती है देखो एक कैसे लिखते हैं हिंदी का हम आपको बताते हैं एक दो तीन चार ये हिंदी की गिनती भी होगी ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे बोर्ड पे हमने लिखा है आप वीडियो में देखो मिस कहाँ पढ़ा रही है वहीं पे उंगली रखना है पेज नंबर सिक्स कौन सी बुक है अमृता स्वर ज्ञान। चलिए स्टार्ट करेंगे नट नट खट खट नट खट क्या हो गया नट नट खट खट नट खट बाव न बन पाव न कर बन कर खट खट पाट पट खट पट मत मत कर कर नट खट बन कर खट पट मत कर। फिर पूर्विराम थोड़ा सा रुकिए फिर आया है चाट चट पाट पट चट पट फिर चाट चट पाट पट चटपट तो देखो चटपट एक साथ फिर से आ गए दो शब्द एक से तो एक अपन हारी रहे थी जितेगा एक से शब्द दो बार लिखे जाते हैं तो इस तरह करा जाता है ठीक है। सल सल गम गम सल गम राव फरक फिर चटपट मतलब जल्दी से क्या रखना है सलगम क्या रखना सलगम है ना चाशे सलगम। चलिए फिर से पढ़ेंगे नटखट बनकर खटपट मार कर चटपट चटपट सलगम रख चटपट जल्दी जल्दी फटाफट काम करो सलगम रख दो ठीक है उसी लाइन पे उंगली रखिए। चलिए पन घट पावना पन घट कैसे होता है औरतें पानी लाती है ना पटक पटक के चलती है पन घट पर चल चल कर चल कर जल भर पन घट मतलब जहाँ से अपन पानी भर के लाते कुआ तालाब नदी पानी भरने की जगह को कहते पन घट पर चल कर जल भर पूर्णविराम सर सर पाट पट सर पट
आपकी मात्रा वाले शब्द हम आपको कल सिखाएंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।